हम लोग आज बहुत सारा ऑफ रोडिंग करने के बाद लगभग 350 किलोमीटर हम लोग ऑफ रोडिंग किए। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था, पूरी जैकेट जो है वाइट धूल से सफ़ेद हो चुकी है, जूते वूते सब धूल भर चुका है। रिवर क्रॉसिंग आई, हमने बाइक को धक्का दे के पार किया, कुछ लोग की बाइक अटक गई, हाथ और पैर सुन्न पड़ गए थे, गाड़ी चला रहे थे, तो सब किया। आज अभी हम लोग आ गए हैं लेह लद्दाख का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। तो काफ़ी अच्छा सजा 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 के बनाया हुआ है, बीच में जो बेंचेस है ऊपर थोड़े से चबूतरे उठा के बनाए, साइड साइड में दुकान है। ये पत्थर गिर गए हैं, काइंड ऑफ लैंडस्लाइड कह सकते हो। और यहाँ BRO तुरंत रेस्क्यू के लिए आता है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, अभी हम लोग आ गए हैं लेह लद्दाख का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने और देखने हैं यहाँ पे खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे जो भी लोकल में चीज़ें मिलेगी पहले तो कुछ खाया जाएगा, फिर उस देखेंगे कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलती है उसका शॉपिंग भी करेंगे हम लोग। तो देखते चलते, मार्केट तो अच्छा दिख रहा है और काफ़ी सारी दुकानें हैं, अच्छा बनाया हुआ है ये मार्केट। देखे मेरे को मनाली में मैं मार्केट गया तो वाला याद आ गया, कुछ कुछ वैसा ही है। देखते हैं क्या यहाँ बेस्ट मिल सकता है। सो दिस इज़ द लेह लद्दाख लोकल मार्केट, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सजा 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 के बनाया हुआ है, बीच में जो बेंचेस है ऊपर थोड़े से चबूतरे उठा के बनाए, साइड साइड में दुकान है।
पश्मीना यहाँ पे बहुत फेमस है, पश्मीना मटेरियल का बहुत सारा सामान है। असली नकली की हमें पहचान नहीं है, तो दे शॉल वॉल तो नहीं लूँगा मैं। बाकी जो कुछ अगर एंटिक्स होता है तो वो ज़रूर लूँगा। सब लाइन से इधर कपड़े की दुकान है, इधर भी बीच बीच में रेस्टोरेंट है। हम लोग अभी भी एक तिब्बतन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे मोमोज मिल जाएं अपने को पहले। लेकिन थोड़ा पेट पूजा किया जाएगा, उसके बाद शॉपिंग करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग को जो है रेस्टोरेंट मिल गया तिब्बतन किचन नाम से, एंड वी आर हियर। एंड हमने यहाँ का लोकल फूड ऑर्डर किया है, मोमोज भी ऑर्डर किया है। मोमोज तो हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ का कुछ अलग है। और यहाँ का लोकल फूड होता है थुप्पा, वो ऑर्डर किया है। तो थुप्पा आने वाला है, तो फिर देखते हैं कैसा है थुप्पा खाने में। तो हम लोग को ले लोकल मार्केट घूमते घूमते थोड़ा शाम हो गई है और लाइटिंग बहुत अच्छी की है यहाँ पे। तो हम लोग फ्लैग लेने के लिए जा रहे हैं, पहले जो तिब्बतन फ्लैग होता है, तिब्बतन होता है लद्दाखी जो क्या तिब्बतन फ्लैग होता है ना, गुडविल फ्लैग होता है, जो बहुत सारी गाड़ियों पर लटके हुए देखे होंगे आप। तो मेरे को लेने हैं तीन चार, कुछ दोस्तों ने भी बोला लेके आना हमारे लिए, मेरे को खुद के लिए भी लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा तो उसके बाद, अरे ये तो मनाली में भी मिल जाएगा। हाँ बनवाया था ना मैं, मनाली में मिलेगा, कॉमन है। तो ये मेरे साथ डॉक्टर मैम है, तो उनको वो किचन जो पेंटिंग वाला बनाया वो देख रही हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, किचन देंगे यहाँ का लोकल मेड जो किचन होता है। मेरी गाड़ी का किचन टूट गया है, मैं किचन लूँगा। और हम लोग फ्लैग लेने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ लोकल में एप्रिकॉट से बने हुए बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। एप्रिकॉट एक फ्रूट होता है, विटामिन सी बहुत होता है उसमें, उसके जैम मिलते हैं और तरह तरह की चीज़ मिलता है। तो वो हम लोग देखते हैं कैसा यहाँ पे रहता है और फिर उस हिसाब से हम लोग लेंगे। तो ये शॉप्स पूरी एंटिक्स की शॉप रहे हैं। तो हम लोग फ्लैग तो ले लिए ढेर सारे, अभी हम जल्दी से जा रहे हैं, वो एप्रिकॉट जैम का दुकान बंद ना हो जाए इसलिए भग भग के जा रहे हैं। ये कॉर्नर पे दुकान है, मैं ये ओल्ड लद्दाख मार्केट हमने एक्सप्लोर पूरा किया, फ्लैग ले लिया हम लोग, कीरिंग ले लिया। अब यहाँ का जो स्पेशलिटी है एप्रिकॉट जैम, हम लोग वो लेने के लिए जा रहे हैं। जल्दी से भागते नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा भाई। रिवर क्रॉसिंग दी
तो फाइनली हम लोग आज बहुत सारा ऑफ रोडिंग करने के बाद लगभग 350 किलोमीटर हम लोग ऑफ रोडिंग किए, सॉरी 350 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किए, उसमें से आधे से ज़्यादा यानी 170 किलोमीटर करीब हमारा ऑफ रोड था। रास्ते में रिवर क्रॉसिंग वगैरह भी आया। और अभी हैं हम लोग करेंटली जिस्पा पहुँच गए, और जिस्पा में हम लोग स्टे कर रहे, पीछे टेंट दिख रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था पूरा हम लोग का। ये तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, पूरी जैकेट जो है वाइट धूल से सफ़ेद हो चुकी है, जूते वूते सब धूल भर चुका है। तो हम लोग का नाइट स्टे आज यहाँ पे रहेगा, और फिर कल सुबह हम लोग का निकलना है मनाली के लिए। तो ये हम लोग जिस्पा में है, मनाली यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कल सुबह सुबह ही पहुँच जाएंगे मनाली में। तो बहुत बहुत टफ सिचुएशंस थी आज, सबसे ज़्यादा मुश्किल लोड्स थी हमारी पूरी ट्रिप की, रिवर क्रॉसिंग्स आई जो वीडियोस में आप लोग देखते होंगे। तो रिवर क्रॉसिंग आई, हमने बाइक को धक्का दे के पार किया, कुछ लोगों की बाइक अटक गई, और चारों तरफ बर्फ़ से घिरे हुए माउंटेन्स थे, उनके बीच हम चला रहे थे -5 -6 डिग्री में, हाथ और पैर सुन्न पड़ गए थे गाड़ी चला रहे थे। तो सब किया आज, और फाइनली पहुँच गए हम लोग जिस्पा। आज खाना वाना सबका हो गया, डिनर हो गया, बहुत जम के भूख लग रही थी इतनी ऑफ रोडिंग करने के बाद। और उसके बाद हमने वहाँ बोन फायर किया, आग बुझ गई है, अभी हम लोग बोन फायर एंजॉय कर रहे थे। तो अभी सब ख़त्म करके हम चल रहे हैं सोने, हमारे टेंट लगे, ये नीचे टेंट है, एक ऊपर टेंट, तो हमें ऊपर वाला है हम लोग का, ऊपर वाली लाइन में। तो चलते हैं सोते हैं, आपको ये आज आज का लास्ट शॉट था, फिर कल सुबह मनाली के लिए जब निकलेंगे तब मिलते हैं आपसे मनाली में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू ऑल।